हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल किडनी फेलियर ट्रीटमेंट में, जहां पर हम आपको किडनी से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां देते रहते हैं। ऐसे ही आज हम आपको बताएंगे कि कद्दू के बीज आपकी किडनी के लिए कितने ज्यादा फायदेमंद होते हैं। तो चलिए जानते हैं, कद्दू की सब्जी खाने में जितनी टेस्टी लगती है उससे कहीं ज्यादा ये फायदेमंद मानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिर्फ कद्दू की सब्जी ही नहीं बल्कि इसके बीज भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कद्दू के बीज आपकी किडनी के लिए कैसे लाभकारी होते हैं। कद्दू के बीजों में जिंक, फाइबर और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है, जो आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाए रखने में मदद करते हैं। इससे शरीर में होने वाली सूजन में भी कमी आती है, साथ ही ये आपके ब्लड वेसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। कद्दू के बीज में फाइबर एक सही मात्रा में होता है, जिसका सेवन आपके डाइजेशन को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। और आपको बता दें, जिनका पाचन तंत्र मजबूत होता है उनकी किडनी ठीक ही रहती है, क्योंकि किडनी में खराबी तब आती है जब आपके शरीर में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ जाती है। इससे किडनी के काम में रुकावट आती है और साथ ही किडनी के काम में कमी भी आ जाती है, जिसके लिए कद्दू के बीज काफी ज्यादा लाभकारी माने जाते हैं। बात अगर डायबिटीज की करें तो इसको दूर करने के लिए भी कद्दू के बीज बेहद फायदेमंद होते हैं। कद्दू के बीज आपके ब्लड में शुगर के स्तर को सामान्य बनाए रखता है, जिससे आप डायबिटीज से तो दूर रहते ही हैं, साथ ही इससे आपकी किडनी के काम में भी किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। अगर आप कद्दू के बीज का सेवन करें तो यह आपके हार्ट को भी हेल्दी रखता है। कद्दू के बीज में पोटेशियम आपके ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है, जिससे आपकी किडनी अपना काम ठीक से कर पाती है। जिन्हें नींद ना आने की समस्या होती है उन्हें कद्दू के बीज का सेवन करना काफी फायदेमंद होता है। कद्दू के बीज में कैल्शियम एक सही मात्रा में होता है, जिससे आपकी हड्डियां भी मजबूत रहती हैं। इसमें विटामिन सी की मात्रा सही होती है, जो कि आपको प्रोस्टेट कैंसर से दूर रखता है। इसके अलावा इसका सेवन आपको तनाव से भी दूर रखता है। गठिया रोग को दूर करने के लिए कद्दू के बीज काफी ज्यादा फायदेमंद माने जाते हैं। इससे हड्डियों में होने वाली सूजन में भी कमी आती है। ब्लैडर स्टोन की समस्या से बचने के लिए कद्दू के बीज का सेवन करना बेहद फायदेमंद होता है। इसके साथ ही शरीर में ब्लड की कमी को दूर करने के लिए कद्दू के बीज काफी फायदेमंद माने जाते हैं, साथ ही यह आपके दिमाग को भी एक्टिव रखता है। तो देखा आपने, कद्दू के बीज आपके लिए कितने ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन बात अगर किडनी के मरीजों की करें तो वो इसका सेवन नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, जो कि आपकी डैमेज किडनी के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए किडनी रोगी इसका सेवन ना करें। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, सभी के साथ शेयर कीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कुलदीप सिंह कहाँ से आए आप? डिस्ट्रिक्ट कन्नौज उत्तर प्रदेश। कन्नौज उत्तर प्रदेश जी। तो पेशेंट कौन है? पत्नी है अपनी। पेशेंट वाइफ है अभी। क्या नाम है पेशेंट का? सुधा देवी। सुधा, तो कितने टाइम पहले आप कर्म आयोग में आए थे? आए थे हम 14 जून को। 14 जून को आए थे, मतलब 3 महीने के आसपास जी। 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। तो अभी आप दोबारा मेडिसिन लेने आए हो? जी, दोबारा लेने आए। तो फर्क आया है मतलब पेशेंट में? फर्क आया है काफी। क्या क्या समस्या आ रही थी यहाँ से दवाई लेने से पहले? डायलिसिस चल रही थी, डायलिसिस बंद हो गई है। डायलिसिस पूरी तरह बंद हो गई? पूरी तरह से बंद है अभी फिलहाल में, फिर आगे की इसीलिए दवाई ले। फर्क पड़ रहा है मतलब? हाँ, फर्क पड़ रहा है, धीरे धीरे पड़ रहा है। सारी डाइट वाइट फॉलो कर रहे हो? सब फॉलो हो रहा है। डॉक्टर आपसे ये लोग कोऑर्डिनेट भी करते हैं टाइम टू टाइम? हाँ, टाइम टू टाइम बराबर फोन आता है। किडनी का पेशेंट है तो उसको क्या कहना चाहोगे आप? अगर वो सेम आपकी तरह जूझ रहा है बीमारी से तो क्या कहोगे उसको? भाई, हमारी तरफ से अगर किसी को अगर दिक्कत है तो वो आए, यहाँ आके दवा ले आए। ना जानकारी हो तो हम जानकारी दे सकते हैं, हमारे अगर संपर्क में अगर तो। फर्क पड़ा है मतलब आपको पॉजिटिव है? हमारा पेशेंट ठीक हुआ है, बस हमें संतुष्टि है।